नमस्कार, वॉरजोन के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग जल्द परमाणु युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि पुतिन ने नई परमाणु सेना का ऐलान कर दिया है जो जल्द यूक्रेन समेत नेटो से मुकाबला करेगी। साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन पर महाबम से हमला कर दिया है। उधर गाजा में इसराइल का विनाशकारी हमला भी जारी है, इस हिजबुल्ला की तरफ से भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। सारी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने न्यूक्लियर ट्राइडेंट का ऐलान किया है। तीनों सेना एक साथ कर पाएंगी एटमी अटैक। तीनों सेनाओं को आधुनिक बनाने की तैयारी की जा रही है। नेटो से तनाव के बीच परमाणु तैयारी चल रही है। तो तीनों सेनाओं को शामिल किया गया है, उसे एडवांस बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। और नेटो से दरअसल लड़ना चाहता है रूस, और इसी वजह से अपनी सेनाओं में दम भरा जा रहा है। तीनों सेनाओं को शामिल करने की बात कही जा रही है। ये ट्राइडेंट है, ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसको लेकर पुतिन की अहम तैयारी सामने आई है। तो रूस का ये न्यूक्लियर ट्राइडेंट है, नेटो पर अटैक करने की तैयारी है। सेना, परमाणु हथियार, आपको बता रहे हैं, देखिए सेना जो है और परमाणु हथियार कितने, वायु सेना 570 परमाणु हथियारों के साथ, नेवी 760 और आर्मी 140। अगर देखेंगे कि तीनों सेनाओं को शामिल किया जा रहा है, तो खास बात क्या है आपको बता दें, नेटो से तनाव के बीच पुतिन की अहम रणनीति है। और इसके अलावा तीनों सेनाओं का न्यूक्लियर ट्राइडेंट बनाने का ये ऐलान है। तीनों सेना एक साथ परमाणु हमला कर पाएंगी, ये भी युद्ध की रणनीति में शामिल है। क्या सच में दुनिया के कई हिस्सों में परमाणु तबाही का खतरा मंडरा रहा है? क्या सच में दुनिया के कई मुल्कों को अपना वजूद मिटने का डर सता रहा है? आखिर ये आशंकाएं क्यों जताई जा रही, क्यों न्यूक्लियर वॉर के आगाज की बात कही जा रही? तो इसकी वजह है प्रेसिडेंट पुतिन का एटमी ऐलान। क्या रूस यूक्रेन जंग में जल्द ही एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? क्या यूक्रेन की सरजमी पर पहला न्यूक्लियर प्रहार हो सकता है? क्या साल 2024 में पहले परमाणु युद्ध का आगाज हो सकता है? या एटमी विनाशकों के इस्तेमाल से धरती का बड़ा हिस्सा तबाह हो सकता है? जब से रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ है, तब से इस तरह की तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं। कई दफा तो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की वार्निंग भी दी जा चुकी है, मगर पहली बार पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर सनसनीखेज बयान दिया है। पहली बार पुतिन ने यह ऐलान किया है कि आखिर वो जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे। पुतिन का ये बयान इस बात का साफ और सीधा संदेश है कि अगर पश्चिमी देशों की तरफ से रूसी सरजमी पर कोई भी आ जाए, तो रूस इससे भयभीत नहीं होगा, बल्कि इसका पलटवार करेगा, वो भी एटमी हथियारों के इस्तेमाल से। क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया के बाद वियतनाम के दौरे पर पहुंचे पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी बयान दिया था कि दुनिया इस बात का इंतजार ना करे कि रूस नियमों के तहत ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम नियमों को बदल कर भी एटमी हथियारों से तबाही मचा सकते हैं।
मतलब ये कि नियम कायदे कानून सब कुछ पुतिन वक्त के हिसाब से बदल देंगे और इसी के साथ ही अपने विनाशक हथियारों को वॉर जोन में झोंक देंगे ताकि दुनिया के नक्शे से कई मुल्कों का वजूद मिटा सके। एटमी तबाही से सिर्फ नेटो ही नहीं बल्कि अमेरिका तक को दहला सके। हैरान करने वाली बात यह है कि पुतिन के इस बयान के साथ ही पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, क्योंकि पुतिन की तरफ से एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर दिया गया बयान और नॉर्थ कोरिया वियतनाम के दौरे के बाद से अमेरिका और उसके सहयोगी देश भड़के हुए हैं। जानते हैं क्यों? दरअसल पुतिन ने नॉर्थ कोरिया को हथियार देने का ऐलान किया है। पुतिन के इस फैसले के बाद साउथ कोरिया बौखलाया हुआ है। दक्षिण कोरिया ने रूस को हथियार न देने की वार्निंग दी है। साउथ कोरिया और अमेरिका ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। जैसे ही पुतिन उत्तर कोरिया और वियतनाम के दौरे को खत्म कर रूस की तरफ रवाना हुए, फौरन कोरियाई द्वीप पर दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास का आगाज कर दिया। इतना ही नहीं, पुतिन को अपना दम दिखाने के लिए अमेरिका ने 2 साल में पहली बार गुआम बेस पर न्यूक्लियर बम वर्षक भी तैनात किए। बस अमेरिका और रूस में बढ़ती इसी तनातनी ने धरती पर महायुद्ध नहीं बल्कि पहले परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है और ये दावा तमाम वॉर एक्सपर्ट्स यहां तक कि नेटो के पूर्व कमांडर तक कर रहे हैं। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए, धरती अब परमाणु ढेर पर आ चुकी है, जिसका मतलब है एक चिंगारी धरती को मानव विहीन ग्रह में तब्दील कर सकती है। रूस और उसके सहयोगी देशों का परमाणु गठबंधन सिर्फ नेटो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विनाश की वजह बन सकता है। मतलब ये कि आज नहीं तो कल रूस यूक्रेन जंग का परमाणु युद्ध में तब्दील होना करीब करीब तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह परमाणु हथियारों की खेप बढ़ाई जा रही है, एटमी हथियारों के इस्तेमाल के नियमों को बदला जा रहा है, ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में रूस का ग्लाइड बम से हमला हुआ है। 3000 किलो वजनी ग्लाइडेड बम का इस्तेमाल हुआ है। ग्लाइड बम के हमले में यूक्रेनी इमारत को तबाह कर दिया गया। ग्लाइड बम पर रूसी एक्सपर्ट्स ने दावा किया। और आपको बताते हैं कि आखिर क्या तैयारी चल रही। फैब 3000 बम, जिसकी जो 3 टन TNT से ये बना होता है, इसके विस्फोट से 230 मीटर चौड़ा गड्ढा तक बन जाता है। इतना ताकतवर है ये, यानी इतने क्षेत्र में कुछ भी सलामत नहीं बचता, सब कुछ तबाह हो जाता है। इसके स्प्लिंटर्स यानी छर्रों से 1230 मीटर इलाके में विनाश बरसने लगता है। इसके विस्फोट से 1 किलोमीटर के दायरे में इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। फैब 3000 एक प्रिसिशन स्ट्राइक गाइडेड बम है, यानी टारगेट पर सटीक हमला करता है। रूस ने बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन फरवरी 2024 में शुरू भी कर दिया है। इस बम को TU-22M3 बॉम्बर से लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा TU-22M3 रूस का स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर है। रूसी ग्लाइडेड बम की जो ताकत है वो आपने देखी। और रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े बम हमले किए हैं। उत्तर पूर्वी यूक्रेन 3-3 टन के बम धमाकों की शॉक वेव से दहल उठा है। एक ही बम धमाके से पुतिन ने यूक्रेन के 1700 सैनिकों का संहार कर दिया। यूक्रेन पर रूस ने विनाशक हथियारों से हमले शुरू कर दिए हैं। उत्तर पूर्वी यूक्रेन में रूस ने अब तक के सबसे विध्वंसक हमले किए हैं।
लेकिन सबसे भीषण हमला रूस ने यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र के एक मोर्चे पर किया और ये उसी मोर्चे पर हमले की तस्वीरें हैं। काउंटडाउन पूरा होते ही एक जोरदार धमाका होता है। धुआं छटने के बाद इलाके में दूर दूर तक तबाही के निशान नजर आते हैं। एक 5 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इमारत के आसपास के छोटे मकानों की दीवारें ही बचती हैं। धमाके की शॉकवेव से छोटे मकान पूरी तरह इनपुट मिलने के बाद रूस ने यह धमाका किया। रूस ने इस बड़े ऑपरेशन के लिए अपना सबसे बड़ा गाइडेड बम इस्तेमाल किया है। रूस ने यूक्रेन पर 3 टन के फैब 3000 बम से हमला किया। युद्ध में पहली बार इतना शक्तिशाली बम इस्तेमाल किया गया है। रूस ने अब से पहले इतने बड़े बम का इस्तेमाल नहीं किया था और रूस का यह हमला ग्लोबल हेडलाइन है। और इजराइल और गाजा से युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में हमास के खात्मे पर आईडीएफ का बयान आया है। हमास का खात्मा आसान नहीं है, डैनियल हगारी की तरफ से कहा गया। नेतन्याहू के भटकाव के बाद आईडीएफ ने कहा है, हमास गाजा के लोगों के विचारों में और विचार को खत्म करना नामुमकिन है। तो अब आपको बताते हैं ये क्यों कहा गया, हमास का खात्मा आसान नहीं है। डैनियल हगारी जो कि आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि गाजा में हमास को हराना आसान नहीं है। तो क्या ये सरेंडर करने की तैयारी हो रही है? हमास को नष्ट करने की बात आंख में धूल झोंकने जैसा है, आईडीएफ ये कह रहा है। इसके अलावा हमास एक विचार है जो गाजा के लोगों में दिलों में जिंदा है। हमास ये विचारधारा है, पुरुष महिलाओं बच्चों में हमास के विचार पनप रहे हैं और इसे मिटाना नामुमकिन है। नेतन्याहू ने आईडीएफ को फटकार लगाई थी ये भी कहा गया था और नेतन्याहू ने कहा था कि हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। आईडीएफ ने ऐसा क्यों कहा, हम आपको इसका बता रहे हैं, इसकी वजह बता रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा था हमास का खात्मा बहुत जरूरी है। तो हिजबुल्ला और हूती ने मिलकर गाजा में विध्वंसक प्लान तैयार कर दिया। पहला टारगेट, पहला लक्ष्य इजराइल का खात्मा और दूसरा लक्ष्य फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना है। इस लक्ष्य को हासिल करने की जिम्मेदारी ईरान ने हसन नसरल्ला को दी है। महीने से इसराइल और हिजबुल्ला की जंग जारी है। बीते 20 दिनों से हिजबुल्ला ने इसराइल पर अपने हमलों की रेंज बढ़ा दी है। 20 जून को हिजबुल्ला ने फिर नॉर्दर्न इसराइल पर हमले किए। इसराइल ने भी लेबनान में हिजबुल्ला के होमिन अल्फोका ठिकाने पर पलटवार किए। उधर लाल सागर में होती के हमले जारी हैं।
मोदी की मिसाइल ने 20 जून को ग्रीस के एक मालवाहक जहाज पर हमला करके उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब हिजबुल्ला और हूती खतरा भांप चुके हैं कि इसराइल फुल स्केल वॉर शुरू कर सकता है, और इस खतरे को मिटाने के लिए हिजबुल्ला और हूती ने मिलकर खतरे की जड़ काटने का दोहरा प्लान तैयार किया है। हिजबुल्ला ने इसराइल की पावर ग्रिड को ध्वस्त करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जबकि हूती ने इसराइल के परमाणु संयंत्रों पर हमले की प्लानिंग तैयार की है। इसराइल की सरकारी बिजली कंपनी नोगा के सीईओ शाउल गोल्डस्टेन ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हिजबुल्ला इसराइल की पावर ग्रिड को तबाह करने की तैयारी में है। अगर 72 घंटे भी बिजली सप्लाई कटी तो इसराइल में रहना मुश्किल हो जाएगा। गोल्डस्टीन ने जो कहा है वो इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसराइल में हादेरा, तेल अवीव, हाइफा, रामल्ला, इलियाकिम, रमत होवाव, किरियत मलाकी सबसे बड़े पावर ग्रिड हैं। इसराइल में इस वक्त कुल 16 पावर ग्रिड हैं, लेकिन अगर 7 बड़े पावर ग्रिड तबाह हुए तो 80% इसराइल की बिजली कट जाएगी, बाकी पावर ज्यादा लोड की वजह से फेल हो जाएंगे। बिजली ना होने से इसराइल के कूलिंग सिस्टम, वाटर सप्लाई, इंटरनेट सर्विस जैसी सेवाएं बंद हो जाएंगी। हिजबुल्ला इसराइल के पावर ग्रिड पर हमले का प्लान तैयार कर चुका है, और दूसरी तरफ हूती ने इसराइल के सभी परमाणु संयंत्रों पर हमलों की तैयारी कर ली है। नेगेव रेगिस्तान में डेमोना नाम का एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। यहाँ प्लूटोनियम का प्रोडक्शन और हथियारों से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसराइल का दूसरा हथियार भंडार एलाबन में है। यहाँ टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रखे होने की रिपोर्ट है। कफार जखारिया इसराइल का संदिग्ध न्यूक्लियर मिसाइल बेस है। नाहल सोरेक में हथियारों के डिजाइन, निर्माण और रिसर्च का काम होता है। योदेफात में इसराइल की संदिग्ध न्यूक्लियर वेपन असेंबली फैसिलिटी है। तिरोश में इसराइल का परमाणु हथियार भंडार होने की रिपोर्ट है। अमेरिका की रिपोर्ट है कि हिजबुल्ला इन परमाणु संयंत्रों पर मिसाइल हमले करने की तैयारी में है, और इसमें वो कामयाब हो सकता है क्योंकि इजरायली डिफेंस सिस्टम 19 जून को भी हिजबुल्ला का ड्रोन नहीं रोक पाए थे, और हाइफा पोर्ट की जासूसी करने में नसरल्लाह कामयाब रहा था। पेंटागन के 3 अधिकारियों की रिपोर्ट है कि इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से नाकाम हो सकता है। हूती हिजबुल्ला ने लगातार मिसाइल हमले किए तो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सभी मिसाइलें नहीं रोक पाएगा। इसराइल इस खतरे को समझ चुका है, और हूती हिजब का ऑपरेशन रोकने के लिए मोसाद, हसन नसरल्ला और अब्दुल मलिक अल हूती की हत्या करा सकता है। लेकिन अगर मोसाद इन दोनों की हत्या में कामयाब हुआ तो इसराइल ईरान का सीधा युद्ध तय है। सीधे युद्ध का मतलब 2 परमाणु शक्तियों का टकराना है। ऐसे में अगर हिजब हूती कामयाब हुए तब भी अरब में रेडिएशन तय है, और अगर मोसाद कामयाब हुआ तो परमाणु युद्ध निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब एक और युद्ध का मोर्चा, नॉर्थ कोरिया को हथियार दे सकते हैं पुतिन। नॉर्थ कोरिया को S-400 डिफेंस सिस्टम सप्लाई किया जा सकता है। यूरोप के खिलाफ मिरर डिप्लॉयमेंट वाला ये प्लान है। पुतिन किम को हथियार देकर पश्चिमी देशों के खिलाफ नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में रूसी हथियार शुरू, एक और वॉर। देखिए, नॉर्थ कोरिया और पुतिन का किस तरह से गठजोड़ सामने आया जब पुतिन मुलाकात करने पहुंचे किम जोंग उन से। सीधा असर इसका यह हुआ है कि जो वेपन डील हुई है,
अब वेपन डील के जरिए पुतिन हेल्प करेंगे नॉर्थ कोरिया को, और नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी ये मदद सामने आएगी। तो आइए डिटेल में आपको जानकारी बताते हैं कि जो वेपन है, वेपनों की सप्लाई है, वेपन्स की सप्लाई है, वो क्या है, वो क्या एक और वॉर को दस्तक दे रही है। नॉर्थ कोरिया से मॉस्को लौटते ही पुतिन का विध्वंसक फैसला सामने आ गया। नॉर्थ कोरिया में रूस जल्द डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात कर सकता है। नॉर्थ कोरिया में रूस जल्द एडवांस फाइटर जेट की तैनाती कर सकता है। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को एडवांस वेपन के साथ ट्रेनिंग भी देगा रूस। नॉर्थ कोरिया से सुरक्षा सहयोग समझौते के बाद एक्शन में पुतिन दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि साउथ कोरिया के इस कदम ने पुतिन को भड़का भी दिया है। पुतिन ने सियोल को भयंकर परिणाम की धमकी तक दे डाली। और काला सागर में अब युद्ध के एक नए दौर की शुरुआत हुई है। ये जंग अब नेवल ड्रोन पर केंद्रित होने जा रही है। रूस ने भी यूक्रेन को उसी अंदाज में जवाब देने के लिए सी ड्रोन को आधुनिक बनाया है और काला सागर में ड्रोन की तैनाती कर दी है। रूस और यूक्रेन के करीब समंदर का वो इलाका जहां बरसों से रूस का वर्चस्व है, एक ऐसा विशाल सागर जो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को चलाता है और रूस की शान बढ़ाता है। समंदर के किसी भी कोने में एक भी धमाके का मतलब है क्रेमलिन में खलबली। यही यूक्रेन ने एक सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया जिसका खुलासा 19 दिनों के बाद किया गया है। इस सीक्रेट मिशन को अंजाम तक पहुंचाया है यूक्रेनी इंटेलिजेंस HUR ने। यूक्रेन की यह खुफिया एजेंसी बेहद शातिर है। सीक्रेट ऑपरेशन की कामयाबी का पूरा श्रेय यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने मागुरा सी ड्रोन को दिया है। यूक्रेन में मागुरा ड्रोन के लिए फंड जुटाया गया है। HUR को ड्रोन के लिए यूक्रेनी लोगों ने बड़ी रकम दी है। फंड देने के लिए एक समारोह का आयोजन हुआ था। इसी समारोह में HUR के अफसर ने मिशन के बारे में खुलासा किया। खुलासे के मुताबिक रात के अंधेरे में काला सागर के रास्ते यूक्रेन ने एक बड़े मिशन को कामयाब बनाया। खुलासे के मुताबिक तारीख 29 मई दिन बुधवार वक्त रात के 9 बजे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, आर्मी चीफ सारेस्की और यूक्रेनी आर्मी के कुछ अफसर और HUR खुफिया एजेंसी के कमांडर्स की एक सीक्रेट बैठक हुई। इस बैठक के बाद यूक्रेन के कुछ चुनिंदा मरीन ड्रोन ऑपरेटर्स ने एक स्पेशल मिशन की तैयारी शुरू कर दी। तारीख 30 मई दिन गुरुवार वक्त रात 11 बजे रात के अंधेरे में काला सागर की उफनती लहरों में एक मागुरा सी बेबी ड्रोन को रवाना किया गया। सी बेबी ड्रोन काला सागर की शांत लहरों में बेहद खामोशी से आगे बढ़ रहा था। यूक्रेनी मागुरा ड्रोन को गश्त लगाने वाले युद्धपोत से बचना था, क्रीमिया तट के सुरक्षा कवच को भेद कर आगे बढ़ना था। सी ड्रोन मागुरा को अपने टारगेट को भस्म करना था। मागुरा ड्रोन क्रीमिया के बेहद करीब पहुंचा ही था कि रूसी सैनिकों के स्पीड बोट्स उस इलाके में आ गए। मशीन गन से लैस रूसी कमांडो लहरों में हो रही हर हलचल पर नजर रखते हैं। अब यूक्रेन में मौजूद मागुरा ड्रोन के ऑपरेटर्स के लिए इन स्पीड बोट्स को चकमा देने की चुनौती थी। मागुरा की स्पीड बेहद कम कर दी गई ताकि इंजन का शोर कम हो सके।
रूसी स्पीड बोट कुछ देर गश्त लगाने के बाद दूसरी दिशा में चली गई और फिर बागुरा ड्रोन ने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन आगे बढ़ते ही अचानक आसमान से समुद्र में गोलियां चलने लगी। आसमान में गश्त लगा रहे हेलीकॉप्टर से मागुरा को देखा जा चुका था। हेलीकॉप्टर्स ने मागुरा का पीछा किया और गोलियों की बरसात कर दी गई। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेलीकॉप्टर में तैनात शार्प शूटर्स को समुद्र में आगे बढ़ रहा ड्रोन कैसा दिखता है। मशीन गन के ऊपर लगी नाइट विजन डिवाइस के जरिए समुद्र की सतह पर मौजूद किसी भी ड्रोन पर आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन में मौजूद मागुरा ड्रोन के ऑपरेटर्स को यह हेलीकॉप्टर कैसा दिख रहा था। ये मागुरा सी ड्रोन पर लगे कैमरे की तस्वीरें हैं। हालांकि ड्रोन हेलीकॉप्टर्स की फायरिंग से बचने में कामयाब रहा। अब मिशन के आखिरी वक्त की तस्वीरें देखिए। ड्रोन के सामने कुछ बोट्स नजर आ रहे थे। इन बोट्स में धमाका हुआ और यूक्रेन का सीक्रेट मिशन कामयाब रहा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के लिए लगातार भड़का रहा नॉर्थ कोरिया। दक्षिण कोरिया में घुसे किम जोंग के सैनिक 15 दिनों में तीसरी बार दक्षिण कोरिया में घुसपैठ हुई है। पुतिन के दौरे के बाद घुसे उत्तर कोरिया के सैनिक दक्षिण कोरिया ने वार्निंग देने के लिए फायरिंग तक की है। तो 15 दिनों में तीसरी बार ये घुसपैठ की कोशिश की गई है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से सैनिकों की तैनाती की जा रही है। और नॉर्थ कोरिया लगातार जंग को भड़काता हुआ दिख रहा है। नॉर्थ कोरिया क्या जंग भड़का रहा है? 15 दिनों में तीसरी बार दक्षिण कोरिया में घुसपैठ की कोशिश हुई। उत्तर कोरिया ने DMZ बफर जोन बॉर्डर पार किया। पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे के बाद सैनिकों के उकसावे की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सैनिकों को रोकने के लिए दक्षिण कोरिया ने फायरिंग की है। बफर जोन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया कि जो मीडिया है वो लगातार इसके हवाले से खबर मिल रही है। अब रूस ने यूक्रेन के 80% इलाके पर 100 टन से ज्यादा बारूद बरसाया है। फिर क्या, राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 19 प्रांत दहल उठे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जंग के 843वें दिन रूसी सेना ने कीव की घेरेबंदी कर दी। कीव बॉर्डर को सीज कर दिया गया। ज़ेलेंस्की सरकार को अंडरग्राउंड तक होना पड़ा। पूरी रिपोर्ट देखिए। बीती रात व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसकी अगुवाई खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ने की। इस मीटिंग में कीव से यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, ब्रसेल से नेटो के चीफ और पेंटागन के प्रमुख लॉयड जे ऑस्टिन शामिल हुए, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस हाई लेवल मीटिंग में जंग से जुड़ी तमाम ब्रीफिंग के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया। यूक्रेन की सुरक्षा से जुड़े दो सॉलिड प्लान तैयार किए। बाइडेन का प्लान ए, पेंटागन जल्द ही यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें देगा। पैट्रियट और नेसम्स डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें कीव भेजेगा। बाइडेन का प्लान बी, रोमानिया पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को सप्लाई करेगा। 24 घंटे के भीतर रोमानिया एयर डिफेंस सिस्टम कीव भेजेगा। अब सवाल यह है कि अचानक ही यूक्रेन जंग में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते प्रेसिडेंट बाइडेन ने आपात नियमों के तहत पेंटागन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन भेजने का ऑर्डर दिया।
आखिर क्यों पेंटागन से पहले नेटो के देशों ने रोमानिया को एयर डिफेंस सिस्टम की खेप की पहुंचाने को कहा है? तो इसके पीछे की वजह है बीते 30 घंटों से जारी यूक्रेन के 19 प्रांतों का दहन। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूसी डिफेंस ने यूक्रेनी सरजमी को दहलाने के लिए, बारूद से पाटने के लिए बीते 30 घंटों में 100 टन यानी 1,00,000 किलो बारूद बरसाया, वो भी बेहद विध्वंसक और विनाशक अंदाज में। बस फिर क्या, यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहर और प्रांत बारूदी प्रलय से थर्रा उठे। क्योंकि पुतिन ब्रिगेड ने कहीं आसमान से ताबड़तोड़ स्ट्राइक की तो कहीं आत्मघाती ड्रोन से तबाही मचाई, कहीं आर्टिलरी शेल से सीरियल अटैक किया तो कहीं एमएलआरएस और केएच सीरीज की मिसाइलों से कोहराम मचाया। कीव से लवीव तक, ज़ेपोरिजिया से खार्किव तक, ओडेसा से माइकोलेव तक, सुमी से डोनेस्क तक, अवदीवका से लीमन तक, यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो। आपको बता दें कि रूसी डिफेंस ने भी अपने विध्वंसक हथियारों से यूक्रेन पर धावा बोला। दावा किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस ने यूक्रेन पर शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेनी प्रांतों पर KH-101 क्रूज मिसाइलें भी बरसाई। इसके अलावा रूस ने फैब एरियल बमों से हमला किया। यही वो विनाशक हथियार हैं जिनके इस्तेमाल से रूस ने सिर्फ 30 घंटों के भीतर 1,00,000 किलो बारूद यूक्रेन में झोंक दिया। गौर करने वाली बात यह है कि बीती रात सिर्फ यूक्रेन के 19 प्रांत ही नहीं दहले, बल्कि पुतिन का वो ख्वाब भी करीब करीब पूरा हो गया जिसका इंतजार रूसी राष्ट्रपति बीते 28 महीनों से कर रहे थे, और वो था राजधानी कीव पर कंट्रोल। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका भी एक्टिव नजर आ रहा है। ग्वाम बेस पर अमेरिका ने बड़ी तैनाती कर दी है। ग्वाम बेस पहुंचा यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ये देखिए रोनाल्ड रीगन की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्वाम पहुंचा है अमेरिकी B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस नॉर्थ कोरिया की डील पर अमेरिका ने यह जवाब दिया है। जी हां, नॉर्थ कोरिया से चीन, अमेरिका से वॉर का सीन। नॉर्थ कोरिया रूस के बीच सुरक्षा समझौते के बाद एक्शन में अमेरिका नजर आ रहा है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में ग्वाम बेस पर अमेरिका ने बढ़ाई तैनाती। ग्वाम बेस पर यूएसएस रोनाल्ड रीगन ने मोर्चा संभाला है। B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर ग्वाम की सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। B-1 न्यूक्लियर बॉम्बर मई से ग्वाम बेस पर तैनात किए गए हैं। रूस नॉर्थ कोरिया गठबंधन के जवाब में अमेरिका ने ये बड़ी तैनाती कर दी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश की बड़ी खबरों में UGC नेट पेपर लीक में जांच पर ये बड़ी खबर है। यूपी के कुशीनगर पहुंची CBI की टीम, अभ्यर्थी पर पेपर शेयर करने का शक है टीम को। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, टेलीग्राम पर पेपर का हिस्सा शेयर किया गया, अभी अभ्यर्थी से पूछताछ कर रही है टीम। इसके अलावा CBI कई अन्य शहरों में भी मामले की तफ्तीश कर रही है। तो UGC नेट का पेपर कैंसिल हुआ, रद्द हुआ, उसके बाद से ही CBI की टीम एक्टिव है और CBI इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, एक अभ्यर्थी से पूछताछ की जा रही है इस मामले में, क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस शख्स से पूछताछ की जा रही है वो दरअसल यूजीसी नेट का पेपर दे चुका है इससे पहले, और जिस वक्त ये पेपर लीक हुआ उससे दो दिन पहले बताया जा रहा है इसी शख्स ने बाकायदा टेलीग्राम के ऊपर उस क्वेश्चन पेपर का कुछ अंश पोस्ट किया था, जिसके बाद इसकी जानकारी सीबीआई को मिली शुरुआती तफ्तीश में, और उसके बाद दिल्ली से इस शख्स को हिरासत में लिया गया और इससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये पिछले कुछ दिनों से कुशीनगर के अंदर रह रहा था, उससे पहले कोटा के अंदर कुछ दिन रहकर इसने तैयारी की थी नेट की, तो इसके बाद अब इसको हिरासत में लेकर यह पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ उसका जो अंश इसने पोस्ट किया वो इसके पास कहां से आया। ठीक इसी तरीके से ये जो पूरा नेक्सस है, इस नेक्सस की तलाश में इस वक्त सीबीआई जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर जिन जिन लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो लीक पेपर था उसके जो अंश थे वो अलग अलग पोस्ट किए थे, उन सभी लोगों की पहचान की जा रही है, उन सभी यूजर्स की पहचान की जा रही है और उन सभी से पूछताछ की जाएगी। सीबीआई की कई अलग अलग टीमें इस वक्त उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, साथ ही हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पर मौजूद है और इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी तो कई राज्यों तक इसकी जांच पहुंचती हुई दिख रही है और सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर जितेंद्र जानकारी दे रहे थे कि एक अभ्यर्थी से शक के आधार पर पूछताछ की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात नीट पेपर लीक खुलासे की कर लेते हैं। TV9 पहला चैनल है जिसने पटना में पेपर लीक को लेकर सबसे पहले खुलासा किया और सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने रखा। TV9 रिपोर्टर आज सबसे पहले लर्न बॉयज हॉस्टल के सेफ हाउस में पहुंचे, जहां 4 मई को बच्चों को ठहराया गया था, वहां से उस जगह से खुलासा किया। वहीं रूपेश कुमार ने वो कार भी ढूंढ निकाली जिसमें 5 मई को सिकंदर समेत 3 लोग पकड़े गए थे। और बड़ी खबर यह है कि बिहार ईओयू ने TV9 के खुलासे पर मुहर भी लगा दी है। तो ईओयू ने TV9 की खबर पर मुहर लगाई है और सबसे पहले बात TV9 के खुलासे पर बिहार ईओयू की मुहर की कर लेते हैं। ईओयू ने माना है नीट का पेपर लीक हुआ। ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी, अपनी रिपोर्ट में सबूत के तौर पर 13 बयान भेजे गए। रिपोर्ट में पटना के सेफ हाउस को भी की भी जानकारी है, रिपोर्ट में जो आज रूपेश दिखा रहे थे, रिपोर्ट में पैसों के लेन देन की भी जानकारी है। तो ये रिपोर्ट सौंपी गई है और अब देखिए इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बिहार का पटना एपिसेंटर बन गया नीट पेपर लीक मामले में। एक के बाद एक TV9 ने आपके सामने कई खुलासे किए और देखते ही ये खुलासे और ज्यादा राज से पर्दाफाश होता चला जा रहा है। पेपर लीक पर बिहार ईओयू की जो सीक्रेट रिपोर्ट है, आइए आपको ये बताते हैं। इस खुलासे पर मुहर लग गई है। नीट परीक्षा का पेपर पटना में लीक हुआ। इस रिपोर्ट में कहा क्या है, जले हुए प्रश्न पत्र में 68 सवाल मैच तक हो गए हैं। इसके अलावा झारखंड से पटना फोन कॉल आया था और पटना में JH01 BW0019 कार भी बरामद हो गई है। कार में और पांचवी बड़ी बात आपको बता दें, कार में सिकंदर, अखिलेश और बिट्टू मौजूद थे। कार में कई छात्रों के एडमिट कार्ड मिले हैं। सातवां पॉइंट यह है कि कार में प्रश्न पत्र और आर्थिक लेन देन के सबूत भी मिले हैं। आठवां पॉइंट यह है कि पेपर लीक का असली सेंटर हजारीबाग था। पटना के दानापुर के एक सरकारी दफ्तर में साजिश रची गई, छात्रों को पटना के सेफ हाउस में रखा गया, वहां छात्रों को सवाल और जवाब बंटवाए गए। छात्रों को 3 ठिकानों पर रखा गया था, सेफ हाउस में छात्रों को प्रश्न उत्तर रटवाए गए। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। जो सीक्रेट रिपोर्ट है उसके बारे में पता लगा है और उसमें ये बड़ी बातें हैं। और नीट विवाद के बाद सरकार का बड़ा फैसला भी आया है। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए कमेटी, पूर्व इसरो चीफ की अध्यक्षता में कमेटी, 7 सदस्यीय कमेटी 2 महीने में अब रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी के बारे में और ज्यादा जानकारी कुमार कुंदन बता रहे हैं। कुमार, ये बड़ा फैसला लिया गया है, कमेटी परीक्षा प्रक्रिया में सुधार को लेकर रिव्यू करेगी। कुमार जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे, और ये पूरी की पूरी एनटीए में जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था में क्या क्या खामियां हैं, उस खामियों को दूर करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि कुछ भी कमियां हैं उसके लिए हम एक कमेटी ठीक। कुमार आपके पास आएंगे दोबारा, फिलहाल बड़ी खबर बता रहे हैं, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए जो कमेटी बनाई गई है इसमें ये इस बात को रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी जो परीक्षा में सुधार की जरूरत है।
और इस बीच नीट पेपर लीक पर टीवी 9 भारतवर्ष पर खुलासे लगातार जारी हैं। पटना में सॉल्वर गैंग के सेफ हाउस में टीवी 9 भारतवर्ष पहुंचा। टीवी 9 संवाददाता रूपेश कुमार यहां पहुंचे और सेफ हाउस में ही छात्रों को उत्तर रटवाए गए, ये खुलासा रूपेश ने बताया। पटना में लर्न हॉस्टल को सेफ हाउस बनाया गया था, यहीं पर ही 4 मई को सवाल जवाब याद करवाए गए थे छात्रों को। सॉल्वर गैंग तक यहां मौजूद था। इसी हॉस्टल में 20 से 25 छात्रों को सेफ हाउस लाया गया था और सवाल जवाब रटवाए गए थे। टीवी 9 भारतवर्ष ने वो हर एक जगह दिखलाई है जहां पर ये पूरा कांड हुआ है, जहां पर पूरी साजिश रची गई, जहां पर छात्रों को रखा गया, जिसे सेफ हाउस कहा गया, जो एनएच का जो गेस्ट हाउस था, जहां पर पूरा कनेक्शन टीवी 9 भारतवर्ष ने खुलासा किया। और टीवी 9 भारतवर्ष ही वो पहला चैनल है जो सिर्फ जिक्र में जिसकी चर्चा हुई कि लर्न प्ले स्कूल, जो सेफ हाउस जिसे नाम दिया गया, कि यहीं पर 4 और 5 मई की रात को यहाँ पर 20 से 25 छात्रों को यहाँ पर रखा गया, यहीं पर उन्हें प्रश्न पत्र दिए गए, यहीं पे आंसर दिया गया और यहीं पर पूरी रात जिन्हें रटवाया गया। और यहीं से चिंटू पिंटू ने सबसे पहले चिंटू के मोबाइल पर, उसके व्हाट्सएप पर यहाँ पर आया था और यहीं प्रिंट निकाल कर पूरा इलाका एक बार आपको दिखलाते हैं कि कितना वीरान ये इलाका है, सड़कें तक नहीं है। पटना का आउटर इलाका जहां पर कुछ मकान बन रहे हैं, सिर्फ बनते हुए मकान, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आपको दिखेंगे, लेकिन रहने वाले शायद ही कहीं नज़र आए हैं, कोई प्रत्यक्षदर्शी तक अभी यहां तक नज़र नहीं आया है। यानी कि यहां अगर इस लर्न प्ले स्कूल, अगर यहां पर महीनों तक कोई अवैध काम हो तो किसी को कानों कान कोई खबर तक नहीं होगी। अंदर आप देखिए, हालांकि ऊपरी तल्ले पर मैंने देखा कि एसी भी लगाया हुआ है, दोनों में बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, 2 गेट हैं यहाँ पर, एक लर्न प्ले स्कूल लर्न बॉयज़ हॉस्टल और एक लर्न प्ले स्कूल, और ऊपरी तल्ले पे ऐसा लगता है जैसे कोई रहता है। लेकिन ये जो मकान है, ये प्रभात रंजन मुखिया जो मुखिया रहने वाला, और हम आपको एक बार और ऊपर लेकर के चलते हैं, हम एक बार और कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जितने मकान हैं आसपास के इलाके में, ये सामने का मकान है और ऊपर हम दिखलाते हैं, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ लोगों के रहने के निशानदेही जरूर आपको दिखेगी। और ये वो मकान है सामने, ये जो लर्न प्ले स्कूल आपको दिख रहा है, ये नीचे लर्न प्ले स्कूल है और ऊपर जिस तरीके से थोड़ी सी हरियाली दिख रही है, और वहाँ पर ऐसा निशान दिख रहा है कि ऊपर कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर लोग रहते आए हैं, जो एक मुझे पता चला कि आशुतोष नाम के व्यक्ति यहाँ पर रहते आए हैं। लेकिन आसपास का आप इलाका देखिए, कूड़े का ढेर है और पूरा वीरान, खाली ज़मीनें हैं। कुछ दूर पर आप देखेंगे तो कुछ मकान वहाँ पर बनते हुए आपको दिखलाई देंगे। यानी कि एक तरह से जिसे सेफ हाउस कहा जा रहा है, ये जो अवैध काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बिल्कुल मुफीद जगह है, मुफीद माहौल है उनके लिए। ना आसपास कहीं ज़्यादा आबादी है, ना ज़्यादा लोग हैं। आप सामने भी ये मकान देखिए, सिर्फ ये मकान बन ही रहा है। और यहाँ पर ये बताइए, क्या ये मकान कुछ कोई रहता है यहाँ? जी यहाँ पर है, यहाँ है। आप लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक में सॉल्वर गैंग का सिंटू गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के देवघर में सिंटू की गिरफ्तारी हुई है, 4 और लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। संजीव मुखिया से जुड़ा है सिंटू। तो गिरफ्तारियां हो रही हैं लगातार और बड़ी गिरफ्तारियां हो रही है, इन्हीं से ही राज बेपर्दा होगा इस पूरे मामले पर और कौन कौन लोग शामिल हैं। और नीट पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार सिकंदर कुमार यादवेंदु का रांची कनेक्शन सामने आया है। रांची के हरमू रोड में सिकंदर के बेटे की दुकान है, बेटे होमी आनंद चलाते हैं स्पोर्ट्स की दुकान। और आपको बता दें कि इन्फिनिटी स्पोर्ट्स नाम से रांची में दुकान चल रही थी। और झारखंड नंबर की कार से सिकंदर गिरफ्तार हुआ। देखिए, बड़ी लगातार खबरें सामने आ रही हैं नीट पेपर लीक मामले में। झारखंड से आई सूचना पर यह गिरफ्तारी हुई। संजीव मुखिया का ड्राइवर कार चला रहा था और 5 मई को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिकंदर यादवेंदु जिस कार से गिरफ्तार हुआ, वो कार अब शास्त्री नगर पुलिस के कब्जे में है। संवाददाता रूपेश कुमार और जानकारी दे रहे हैं इस मामले में। बिहार पुलिस को झारखंड से एक मिस्टीरियस कॉल आता है और नीट पेपर लीक मामले के सारे राज खोल देता है। और उस मिस्टीरियस कॉल में सिर्फ इतनी जानकारी होती है कि झारखंड से एक झारखंड नंबर की वाइट कलर की गाड़ी बिहार गई है, जिसमें क्या होने वाला है और जिसमें पेपर लीक मामले के सारे राज दफन हैं। और ये शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के राजवंशी नगर मोड़ पर पुलिस जाल बिछाए रहती है। वैसे तो पुलिस
पूरे पटना में नाकेबंदी करके और सबको ये नंबर J01BW0019 नंबर की व्हाइट डस्टर गाड़ी पटना में घूम रही है, सबको वायरलेस पर मैसेज जाता है 5 मई को, और इसके लिए जाल बिछाया जाता है और अंततः ये जो गाड़ी है वो मिलती है राजबंशी नगर, जो शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में राजबंशी नगर मोड़ है और वहाँ पर, और इस गाड़ी में मिलता है सिकंदर यादव, जो इस पूरे मामले का एक मास्टरमाइंड है, जो बिहार सरकार का सरकारी कर्मचारी, और जिसकी गिरफ्तारी के बाद से इसमें बिट्टू नाम का ड्राइवर, बिट्टू जो रोहतास का रहने वाला है, बिट्टू वो गाड़ी चलाता है जो संजीव मुखिया का आदमी, और इस